अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर CS 602 कंप्यूटर ग्राफिक्स के शॉर्ट लेक्चर्स हम कर रहे थे। लेक्चर नंबर 31 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 32 से लेकर 34 तक करेंगे, यानी कि 32, 33 और 34। हम इन तीनों लेक्चर्स को एक साथ कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों लेक्चर जो है वो एक ही टॉपिक पे हैं। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने तीन लेक्चर एक साथ किए थे क्योंकि वो भी एक ही टॉपिक पे थे, तो जो लेक्चर्स एक ही टॉपिक पे हैं उनको हम साथ करेंगे। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो ओपन जीएल पे है, तो हम इंट्रोडक्शन टू ओपन जीएल हमारे पास लेक्चर नंबर 32 है, फिर 33 और 34 भी ओपन जीएल ही के लेक्चर्स हैं, इस वजह से इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये वाले लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेक्चर नंबर 32 से लेकर 34 तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये तीनों लेक्चर्स किसी भी हाल में स्किप नहीं करने। इस वाले लेक्चर से आपका मेजर पार्ट आपके पेपर में आता है। ओपन जीएल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 32। सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ओपन जीएल क्या है। ओपन जीएल हमारे पास एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं तो ये ओपन जीएल हमारे पास एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एक इंडस्ट्री बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर प्रोग्रामर जो है वो हाई क्वालिटी एनिमेटेड थ्री डायमेंशनल जो है वो कलर इमेजेस को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप एनिमेशन भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप थ्री डायमेंशनल 2D भी इसके अंदर इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ओपन जीएल क्या है। ओपन जीएल एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये वेयर एप्लीकेबल, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो ओपन जीएल जो है वो एक कंपैटिबिलिटी के साथ बिल्ड किया गया था ताकि उसे बहुत सारे हार्डवेयर और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किया जा सके। तो ये जो इसका आर्किटेक्चर है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी टू यूज़ है, तो ये बहुत आसानी से यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ये पोर्टेबल भी है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। इस वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी जब ये डिज़ाइन हुआ था। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये डेवलपर ऑडियंस में इसके अंदर जो सी और सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है। रन टाइम रिक्वायरमेंट्स के अंदर ओपन जीएल जो है वो लिनक्स पर रन होता है और 32-bit माइक्रोसॉफ्ट विंडो के तमाम वर्जन पर रन होता है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। ये जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स हैं ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर था ये कंपैटिबिलिटी थी इसी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, इसके अलावा ये पोर्टेबल भी था, इजी टू यूज़ भी था, इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सी और सी प्लस प्लस यूज़ हुई थी। इसकी जो रन टाइम रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही हैं कि ये लिनक्स पे रन करता है और 32-bit विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के तमाम वर्जन पे ये रन करता है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मोस्ट वाइडली अडॉप्ट ग्राफिक स्टैंडर्ड। इस लेक्चर का जो है वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ओपन जीएल हमारे पास जो है वो मोस्ट वाइडली यूज़ किया गया था जब ग्राफिक स्टैंडर्ड्स के लिए। ओपन जीएल हमारे पास पोर्टेबल था, मैंने भी आपको बताया। इसके अंदर 2D और 3D ग्राफिक एप्लीकेशंस थी। ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1992 में ये आया था, ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और फिर ये इसके बाद जब आने के बाद ये जो है वो इंडस्ट्री का मोस्ट वाइडली यूज्ड जो है वो ग्राफिक सिस्टम बन गया और इसके अंदर 2D और 3D दोनों को सपोर्ट करने की एप्लीकेशन थी। और हमारे पास जो ओपन जीएल है वो इनोवेशन को फोस्टर करता है और एप्लीकेशन को स्पीड अप करता है। ये वाला एमसीक्यूज भी पेपर में आ चुका है जिसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये एमसीक्यूज पास्ट में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यह है कि डेवलपर्स जो है वो इस ओपन जीएल को यूज़ कर सकते थे तमाम डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि ये पोर्टेबल है, इसको आप दूसरी डिवाइस पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ओपन जीएल की कुछ ये करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, तो इस तरह से आती है। तो उसकी हेडिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड ग्राफिक स्टैंडर्ड था। उसके बाद इसके अंदर हाई विजुअल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस थी। आपसे क्वेश्चन में वे भी पूछ सकते हैं कि ओपन जीएल की करेक्टरिस्टिक्स बताएं या ओपन जीएल की कुछ खसूसियात या कुछ खामियाँ या कुछ खूबियाँ बताएं, तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। इसके बाद ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ओपन जीएल की रन टाइम रिक्वायरमेंट क्या है और इसके अंदर कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं, तो ये सारा आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस और हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ पर जो ये क्रिएट करता है, ये तमाम डेवलपर्स को अलाउ करता है कि ये बहुत सारी हाई क्वालिटी की इमेजेस क्रिएट कर सकें। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ कि ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, CAD है, CAM है, CAE है, एंटरटेनमेंट है, मेडिकल इमेजेस है, वर्चुअल रियलिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है ये 3D और 2D ग्राफिक्स के जरिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर था और ये बहुत कुछ कर सकता था 1992 के अंदर, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। उसके बाद डेवलपर ड्रिवन एडवांटेज इसके क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि डेवलपर ड्रिवन एडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, यानी कि इस बहुत वाइडली यूज था। ओपन जीएल जो है वो एक ट्रूली ओपन वेंडर न्यूट्रल मल्टी प्लेटफॉर्म था, यानी कि इसमें मल्टीपल चीज़ें हम कर सकते थे। उसके बाद ये स्टेबल था, ये आपने हेडिंग्स बस करनी है। ये एक स्टेबल सॉफ्टवेयर था, रिलायबल था और पोर्टेबल था, ठीक है। इसको आप अपनी वर्डिंग में एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हेडिंग देने के बाद।
उसके बाद इवॉल्विंग था, स्केलेबल था। स्केलेबल यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक पीसीज, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर, इन सब जगह पे ये यूज़ होता था, और जो एप्लीकेशन थी वो एनी क्लास में स्केल हो सकती थी, इजी टू यूज़ था। ये भी आप लिख सकते हैं कि इसको बहुत आसान था यूज़ करना, और इस आप हेडिंग देने के बाद इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। उसके बाद वेल डॉक्यूमेंट भी था, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हुई हुई थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और ये इनएक्सपेंसिव था, यानी कि ज़्यादा महंगा भी नहीं था। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इनएक्सपेंसिव था और इसको बहुत आसानी से जो है वो इजी टू ऑब्टेन था, यानी कि बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता था। तो ये जो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे 5-6 नज़र आ रहे हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि डेवलपर डिवेलपर एडवांटेज कौन कौन से हैं। उनको एक्सप्लेन करना आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर एक्सप्लेन करना आ जाता है तो आप एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पीड टाइम टू मार्केट। ओपन जेएल हमारे पास सिंपली एक डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर था, ये वेल स्पेसिफाइड ओपन जेएल स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस थी, जो सी और सी प्लस प्लस पे बिल्डअप थी, और भी लैंग्वेजेस थी, जस्ट ये दो लैंग्वेजेस नहीं थी, दो और कौन सी लैंग्वेज थी वो भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो उसके अंदर सी, सी प्लस प्लस, फोरट्रेन, अडा और जावा थी। ये आपने याद रखने की कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, तो ये देखें 5 लैंग्वेजेस आपको गिवन है, तो देखें शॉर्ट भी आ सकता है आपको, ये 5 लैंग्वेजेस आपसे पूछ सकते हैं, तो ये वाला यहाँ से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओपन जीएल जो है वो विजुअल एप्लीकेशन 2D इमेजेस को भी सपोर्ट करता था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ओपन जीएल सिर्फ 3D को सपोर्ट करता था, नहीं, ओपन जीएल जो है वो 2D इमेज को भी सपोर्ट करता था। उसके बाद अवेलेबल एवरीवेयर, अभी मैंने आपको बताया कि वो हर जगह अवेलेबल था, इजी टू ऑब्टेन था, इसको तमाम यूनिक्स के वर्जन सपोर्ट करते थे, वर्क स्टेशन शिफ्ट स्टैंडर्ड विद एवरी विंडो, विंडो 95, 98, 2000, NT, मैक OS, PC और इन सब को इसको जो है वो फॉलो करते थे। ये आपने याद रखना है इनके नाम, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 2023 में कि ओपन जीएल कहाँ कहाँ अवेलेबल था और कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन कौन से जो है वो चीज़ें इसको यूज़ कर सकती थी। ओपन जीएल जो है वो रन करता था हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे कि मैक OS है, OS2 है, यूनिक्स है, विंडो 95, 98 है, विंडो 2000 है, विंडो NT है, लिनक्स है, ओपन स्टैक है, BIOS है, ये सारे आपने याद रखने हैं। विंडो 32 है, यहाँ पे मैक OS ये है, प्रेजेंटेशन मैनेजर है, एक्स विंडो सिस्टम है, तो ओपन जीएल जो है वो इन सब चीज़ों में यूज़ होता था। उसके बाद ये लैंग्वेजेस आपको दोबारा बताएंगे कि ओपन जीएल इज कॉलेबल फ्रॉम किन किन लैंग्वेज से, ये कॉलेबल था अडा से, सी से, सी प्लस प्लस से, फोरट्रेन से, पाइथन से, पर्ल से और जावा से। तो ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला है, अवेलेबल एवरीवेयर, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि ये किन किन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर रनेबल था, और ये भी पूछ सकते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते थे, और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पास्ट में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेक्चर 32 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 33 और 34 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका मेजर पोर्शन उठाया जाता है, 40-50% आपका पेपर जो है वो इन्हीं 3 लेक्चर से बनकर आता है। तो ये लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी है, जो ग्रीन हाईलाइट आपको नजर आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा आपने फोकस करना है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और आर्किटेक्चर है उसको देख लेते हैं। इसका जो मेन पर्पस था, ये भी पास्ट पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, इसका जो मेन पर्पस क्या था, जैसे कि ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर था तो इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि ये जो है वो 2D और 3D को एक फ्रेम बफर में रेंडर कर सके, रेंडरिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स थी, ये सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स थी और पिक्सल से डिस्क्राइब होती थी, ये भी हम देख चुके हैं। ओपन जीएल जो है वो बहुत सारे प्रोसेस डाटा के ऊपर परफॉर्म करता था और उसके बाद पिक्सल्स को एक फाइनल, एक अच्छी, एक हाई क्वालिटी इमेज में कन्वर्ट कर देता था। उसके बाद यहाँ पर हमने बताया कि फॉलोइंग टॉपिक ग्लोबल वाइज यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव एंड कमांड्स हैं। अब प्रिमिटिव और कमांड्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें पॉइंट, लाइन, सेगमेंट और पॉलीगोन आते हैं, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है, या फिर ये पॉइंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ओपन जीएल ग्राफिक कंट्रोल भी था इसके अंदर, एग्जीक्यूशन मॉडल के अंदर क्लाइंट और सर्वर का मॉडल था। क्लाइंट सर्वर का मॉडल क्या होता है, जिसमें एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे बेसिक ओपन जीएल के ऑपरेशन से, ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपको हेडिंग्स नजर आ रही है ना, ये सारी भी हम देखेंगे डिटेल में। तो प्रिमिटिव्स में आपको बस ये याद रखना है कि ओपन जीएल जो है वो कौन से प्रिमिटिव ड्रॉ करता था। तो ओपन जीएल जो हमारे पास है, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, पॉलीगॉन, ये सारे प्रिमिटिव ड्रॉ करता था। इसके अलावा ये जो है प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, डिफाइन बाय अ ग्रुप ऑफ वन और मोर वर्टिसेस डिफाइन करता है, ठीक है। और वर्टिक्स क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है या फिर किसी लाइन का एंड पॉइंट होता है, ये भी हम देख चुके हैं। और कमांड क्या होता है, कमांड जो है वो एक ऑर्डर में जो है वो प्रोसीड करते हैं, जिससे हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, और वो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें फॉलो करता है, तो वो हमारे पास कमांड आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राफिक कंट्रोल के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन, जैसे पैरामीटर है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, लाइटनिंग इक्वेशन कॉफिशेंट है, अभी लाइटनिंग इक्वेशन हम आगे भी देखेंगे, पिक्सल्स, अपडेट ऑपरेटर है, फिर एग्जीक्यूशन मॉडल के अंदर क्लाइंट और सर्वर का मॉडल है। तो सर्वर जो है वो तमाम जो है ओपन जीएल का कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैनेज करता था वहाँ पर, और फिर जो क्लाइंट थे वो कनेक्ट होते थे उससे और वहाँ से वो अपना काम करके जाते थे। तो ओपन जीएल कमांड जो है वो हमारे पास यूज़र इनपुट से प्रोवाइड की जाती थी, तो ये आपने याद रखना है।
उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे कम्युनिकेट ओपन जीएल हाउ टू डोज, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक ओपन जीएल के ऑपरेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बेसिक ऑपरेशन कौन से थे, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। इसके अलावा इसकी डायग्राम भी आपको बनाने के लिए आती है, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आता, तो आपने डायग्राम भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इतनी कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, आप पेंट पर इसको बहुत आराम से बना सकते हैं, इवन कि आप इसको वर्ड पर भी बना सकते हैं। जैसे आपने ये रेक्टेंगल्स लेने हैं और इसके अंदर आपने लिखना है कुछ कमांड्स, आपने क्या क्या कमांड्स देने हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो डिस्प्ले लिस्ट का कमांड है, फिर एवोल्यूटर का है। अभी सारे कमांड्स का क्या काम है हम पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले डिस्प्ले लिस्ट है, यानी कि ये वाला डिस्प्ले लिस्ट। अब इसका क्या काम है, रेदर देन हैविंग ऑल द कमांड प्रोसीड इमीडिएटली थ्रू द पाइपलाइन, यानी कि पाइपलाइन से तमाम कमांड्स को एक साथ प्रोसीड करने के बजाय हम उनको जो डिस्प्ले लिस्ट में जो है वो आए और फिर उनको लेटर प्रोसीड कर दें। यहाँ पे कमांड्स आएंगे और डिस्प्ले लिस्ट के अंदर हम उनको डिस्प्ले कर देंगे, वो कमांड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आगे एक एवोल्यूटर लगा हुआ है। अब एवोल्यूटर क्या होता है, एवोल्यूटर जो है वो एक ऐसी स्टेज है जो हमारे पास जो हमने अभी जो कमांड्स को दिखे है उसको ये प्रोसीड करेगा फर्दर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्री वर्टेक्स ऑपरेशन और प्रिमिटिव असेंबली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल एवोल्यूटर के साथ ये वाला पॉइंट अटैच हुआ हुआ है। अब इसका क्या काम होता है, ये ओपन जीएल प्रोसेस ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव, अभी ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स को प्रोसीड करता है, जैसे लाइन है, पॉइंट है, पॉलीगॉन है, इन सारों को अब ये आगे प्रोसीड करेगा। उसके बाद हमारे पास रास्टराइजेशन है, रास्टराइजेशन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे देखें आगे ये वाला आता है। अब रास्टराइजेशन में क्या होता है, ये हमारे पास फाइनल ऑपरेशन परफॉर्म करता है डाटा पे और उसके बाद हमें हाई क्वालिटी इमेज जो है पिक्सल्स में परफॉर्म हमें दे देता है, ठीक है। उसके बाद आया डाटा, हम पिक्सल से भी इनपुट कर सकते हैं रेदर देन वर्टिसेस, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि हम डाटा को पिक्सल्स में भी इसको दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये टेक्सचर मेमोरी को स्टोर करता है जो हमारे पास रेस्टराइजेशन की स्टेज में यूज़ होता है। रेस्टराइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो फ्रेगमेंट में मर्च होकर फिर बफर में आता है, ये भी आपने याद रखना है। ओपन जी एल जो है वो ड्राइंग के लिए स्पेसिफाई था, जैसे पॉइंट है, लाइन, पॉलीगॉन, पिट मैप, ये सारे चीज़ों के लिए ये बहुत ही फेमस था। यहाँ पर मैंने आपको इसकी डायग्राम दोबारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज और ज्योमेट्री का पाथ देख सकते हैं आप, डिटेल व्यू आपको यहाँ पे इन्हें बताया कि वर्टिस है, कैसे नॉर्मल होता है, ये सारा कुछ। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसके पार्ट्स पता होने चाहिए। लेक्चर नंबर 33 ओपन जीएल प्रोग्रामिंग, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने वाली हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर जो यूटिलिटी लाइब्रेरीज हैं जिनका नाम गर्ल्ट से स्टार्ट होता है, GULT गर्ल्ट, ये हमारे पास क्या होती हैं, इनिशियलाइज करती हैं ओपन जीएल को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इनिशियलाइज ओपन जीएल ऑन एनी प्लेटफॉर्म, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, लिनक्स है, एक्सेट्रा। तो जो गर्ल्ट है ना ये एक विंडो को क्रिएट करता है। आगे हम बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे, वो सारे जो यूटिलिटी की लाइब्रेरीज है ना, ये भी क्वेश्चन पास में आ चुका है कि जो है वो यूटिलिटी की लाइब्रेरीज को लिस्ट करें, तो भी देख लेते हैं। ऑल दोज फंक्शन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रीफिक्स GL से, जितने भी आपके जो है वो फंक्शन स्टार्ट होते हैं GL से, वो हमारे पास ओपन GL फंक्शन के कोर हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ग्लू है, GLU, फिर गल्ट है हमारे पास, ये सारे ओपन GL की यूटिलिटी की लाइब्रेरीज हैं। तो यूटिलिटी की लाइब्रेरीज आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है, दो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, GUL GULT, आगे भी आप बहुत सारे पढ़ेंगे तो वो सारे आपने लिस्ट कर लेने। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम आपको दिया हुआ है, तो ये प्रोग्राम भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। इंक्लूड हमने यहाँ पे कर लेनी है gult.h, यहाँ पे लाइब्रेरी को हमने ऐड कर लेना है, हमारे पास लाइब्रेरी है जिसके जरिए से हम ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंट और मेन आ गया, हमारे पास मेन का फंक्शन, फिर गल्ट क्रिएट विंडो, हमने एक विंडो क्रिएट करनी है। अभी आपको मैंने बताया ये जो गल्ट होता है ना, ये हमारे पास विंडो को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हमने ऊपर इसकी लाइब्रेरी ऐड की और यहाँ पे भी हमने गर्ल्ट लिखा, यानी कि क्रिएट अ विंडो, एक विंडो क्रिएट कर दो, और ये वाली विंडो हमारे पास फर्स्ट ग्राफिक विंडो होगी। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा आउटपुट बनता है, तो फर्स्ट ग्राफिक विंडो ये हमारे पास हो जाएगी गर्ल्ट क्रिएट विंडो। उसके बाद गर्ल्ट क्रिएट विंडो हम दोबारा लिखेंगे, उसके बाद गर्ल्ट क्रिएट विंडो क्रिएट अ टॉप लेवल विंडो। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास टॉप लेवल की विंडो क्रिएट कर देगा। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि गर्ल्ट विंडो कैसे क्रिएट होती है, तो ये छोटा सा आपका कोड है, 2-3 लाइनों का, आपने इसको बता देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यूजेज इंट नेम इंट गर्ल्ट क्रिएट विंडो चार्ट स्टैटिक नेम, ये अभी हमने इसको यूज़ किया है यहाँ पे, चार आपको पता है कि कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद गर्ल्ट विंडो जो है वो टॉप लेवल की विंडो क्रिएट करेगा, जो है वो करंट विंडो को स्टेच कर देगा फिर न्यूली क्रिएटेड विंडो पे, और जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा, एक यूनिक्स इंटीजर हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद यहाँ पे एक हमें दिया हुआ है इंटर क्लाइंट कम्युनिकेशन कन्वेक्शन मैनुअल, इसकी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है बस, और कुछ भी इसमें से नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रोग्राम दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा सा प्रोग्राम है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, और करना चाहें तो कर भी सकते हैं, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इंक्लूड किया गया, हमने उस लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो ग्राफिक्स करने के लिए हमें लाइब्रेरीज को एंटर करना पड़ता है, तो हमने एक लाइब्रेरी को एंटर किया। उसके बाद हमने इंट मेन किया, मेन करने के बाद हमने गर्ल्ट इंट डिस्प्ले मोड, हमने डिस्प्ले मोड में इसको कुछ दिखाना है, उस डिस्प्ले मोड किया। उसके अंदर हमने गर्ल्ट RGB कलर स्पेसिफाई किया, उसके बाद हमने डबल इसको वो दिया,
हमें जो है वेरिएबल था हमने वो दिया, उसके बाद डाटा टाइप भी, उसके बाद हमने गर्ल डेप्थ कर दिया, उसके बाद हमने विंडो क्रिएट करनी है। तो हमने गर्ल क्रिएट विंडो अभी हमने देखा था उसको क्रिएट किया, और फिर हमने गर्ल रीशेप विंडो क्रिएट किया। इसका क्या फंक्शन है इसको भी हम आगे देखेंगे इन सारे फंक्शंस को। उसके बाद गर्ल डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ किया हमने, और फिर गर्ल रीशेप विंडो को अगेन यूज़ किया, फिर गर्ल फंक्शन आइडियो कर दिया, फिर हमने एक लूप लगाया। इन सारे फंक्शंस को अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वॉइड गर्ल इंट डिस्प्ले मोड था, ये अनअसाइंड इंट मोड है। ये हमारे पास क्या करेगा, डिस्प्ले मोड है, ये सिर्फ डिस्प्ले करेगा आपको, ठीक है। डिस्प्ले के लिए हम डिस्प्ले मोड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद गर्ल आरजीबी है, आरजीबी हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा कलर्स होते हैं, तो ये उस वाले मोड को विंडो में एनेबल कर देगा, ठीक है। गर्ल आरजीबी हमारे पास सिर्फ कलर्स को करेगा, और आरजीबी ए है तो अल्फा को भी कर देगा, ठीक है। गर्ल इंडेक्स क्या है, अब गर्ल इंडेक्स हमारे पास बिट मार्क्स करता है, तो सिलेक्ट अ कलर इंडेक्स, कलर इंडेक्स को सिलेक्ट करने के लिए हम गर्ल इंडेक्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं तो उनके लिए हमें कलर लेना पड़ेगा। उसके बाद सिंगल क्या करेगा, ये हमारे पास एक सिंगल बफर विंडो को सिलेक्ट कर देगा। डबल हमारे पास डबल बफर विंडो को सिलेक्ट करेगा। एक्यूम हमारे पास जो है वो एकोमुलेटर बफर को सिलेक्ट करेगा विंडो के अंदर, एक ऐसी विंडो को सिलेक्ट करेगा जिसके ऊपर एकोमुलेशन बफर भी होगा। अल्फा हमारे पास क्या होगा, एक विंडो को सिलेक्ट करेगा जिसमें अल्फा कंपोनेंट होगा। यानी कि गर्ल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि विंडो को सिलेक्ट करना है, अल्फा लिखा हुआ है तो यानी कि अल्फा कंपोनेंट के साथ विंडो को सिलेक्ट करना है। गर्ल डेप्थ है, अब हमने सेलेक्ट विंडो गेन करनी है लेकिन विद डेप्थ बफर, बफर के साथ इसको करना है। उसके बाद हमारे पास गर्ल स्टेंसिल है, इसमें क्या करना है, हमने विंडो को सिलेक्ट करना है विद स्टेंसिल बफर के साथ, इसको हमने वो कर लेना है। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 3-4 लिखे होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इनका यूजेज बताएं कि क्या यूजेज है इनका, या फिर आपको ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि इन सारों के नाम बताएं जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो आपने बता देना है गर्ल सिंगल, गर्ल डबल, एक्यूम, अल्फा, डेप, ठीक है, ये सारे। फिर गर्ल मल्टी सैम्पल क्या होता है, ये हमारे पास मल्टी सैम्पलिंग प्रोसेस करता है, यानी कि ज़्यादा विंडोज़ को जो है वो सिलेक्ट करता है, और अगर ये मल्टी सैम्पलिंग विंडो अवेलेबल नहीं होती तो नॉन मल्टी सैम्पलिंग विंडो ऑटोमेटिकली चूजन हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है यहाँ से, और क्वेश्चन भी बन सकता है। मल्टी सैम्पल जो है वो एक विंडो को सिलेक्ट करता है जिसके अंदर मल्टी सैम्पलिंग को सपोर्ट करता है, और अगर मल्टी सैम्पलिंग सपोर्ट नहीं होती, वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर नॉन मल्टी सैम्पलिंग विंडो ऑटोमेटिकली चूज हो जाती है। उसके बाद गर्ल स्टीरियो है, ये क्या करेगा, ऐसी विंडो को स्टीरियो विंडो को सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद गर्ल ल्यूमिनस है, भी ल्यूमिनस कलर मॉडल के साथ जो है विंडो को सिलेक्ट कर देगा। तो आपने बस इतना याद रखना है कि ये कौन सा फंक्शन कौन सी विंडो को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद इनिशियल डिस्प्ले मोड के अंदर हम जो क्या करते हैं, हम टॉप लेवल विंडो को क्रिएट करते हैं, अभी हमने ऊपर क्रिएट करके भी देखी थी टॉप विंडो, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफाई गर्ल्ट अल्फा जो है वो यूज़ करते हैं, अल्फा को रिक्वेस्ट करने के लिए हमें अल्फा यूज़ करना पड़ेगा, तो गर्ल्ट अल्फा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने बताया कि गर्ल ल्यूमिनस जो है हमारे पास वो अपन जीएल में मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म में सपोर्टेड नहीं होती, ठीक है, ये भी आपने इंपॉर्टेंट है नोट याद रखना है, ये नहीं होती। उसके बाद गर्ल रीशेप विंडो है, ये गर्ल रीशेप विंडो क्या करती है, ये रिक्वेस्ट करती है कि ये विंडो का जो करंट विंडो है उसका साइज चेंज करें, ठीक है। रीशेप विंडो है ना, यानी कि गर्ल तो हमने विंडो के, बस जैसे गर्ल है ना, समझ लेना कि हमने विंडो को क्रिएट करें या फिर हम विंडो के साथ कुछ कर रहे हैं, ठीक है। रीशेप विंडो यानी कि उस करंट विंडो की अभी हमने साइज में कुछ चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आपको उसने इसका यूजेबल बताया हुआ है, विड्थ और इसकी हाइट पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और यहाँ पे फिर एक और फंक्शन आ गया। ये सारे फंक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन आप करें ना करें, ये फंक्शन आपने जरूर करने। डिस्क्रिप्शन तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, उससे आपने बस बताना है, रीशेप वाले में आपने ये बताना है कि वो करंट विंडो का वो साइज चेंज कर देगा। अब हमारे पास जो है वो गर्ल कीबोर्ड फंक है, अभी जो हमने ऊपर प्रोग्राम देखा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था वो, ये सारे फंक्शन उसी के अंदर यूज़ हो रहे थे, तो अभी हम इनको डिटेल में देख रहे हैं। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो ही नहीं सकता कि आपके पेपर में ये ना पूछे जाए। गर्ल कीबोर्ड फंक्शन क्या होता है, गर्ल कीबोर्ड फंक्शन हमारे पास कीबोर्ड कॉलेबल विंडो जो करंट विंडो होती है उसके लिए जो है वो कीबोर्ड कॉलेबल को सिलेक्ट करता है, ठीक है। सेट द कीबोर्ड कॉल बैक फॉर अ करंट विंडो, तो ये एक लाइन है, आपने बस इसका फंक्शन और इसकी एक लाइन याद रखनी है। ये पेपर में ऑलरेडी पास्ट में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, हर दफ़ा ही आते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में यही सारी बातें बताई हुई, वो भी आप एक दफ़ा देखिएगा। गर्ल डिस्प्ले फंक्शन क्या होता है, गर्ल डिस्प्ले फंक्शन जो है वो डिस्प्ले कॉलेबल कॉल बैक करंट विंडो के लिए सिलेक्ट करता है। डिस्प्ले से आपने वो याद रखना है कि वो डिस्प्ले करेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दी हुई है। जब विंडो क्रिएट हो जाती है तो कोई भी डिस्प्ले जो है वो कॉल बैक एग्जिस्ट नहीं करता विंडो के लिए, तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिस्प्ले कॉल बैक फॉर विंडो इंस्टॉल करे। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। उसके बाद हमारे पास है गर्ल रीशेप फंक, अब रीशेप फंक क्या करता है, ये कॉल बैक फॉर द करंट विंडो को रीशेप के लिए सेट कर देता है, डिस्क्रिप्शन उसी की डिटेल दी हुई है। गर्ल्ट आइडियल फंक क्या करता है, गर्ल्ट आइडियल फंक हमारे पास ग्लोबल आइडियल कॉल बैक को सिलेक्ट कर लेता है। फिर हमारे पास गर्ल्ट मेन लूप था, गर्ल्ट मेन लूप इंटर द गर्ल्ट इवेंट प्रोसेसिंग लूप में उसको इंटर कर देता है। फिर गर्ल्ट स्वैप बफर है, गर्ल्ट स्वैप बफर हमारे पास क्या करता है, ये करंट बफर विंडो के को जो है वो क्या करता है, स्वैप कर देता है। स्वैप से आपने याद रखना है, बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने बस एक नज़र इनको देख लिया ना तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे, आपके 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पक्के आने हैं। तो गर्ल स्वैप बफर हमारे पास स्वैप कर देता है बफर ऑफ द करंट विंडो को इफ डबल बफर
विद डबल बफर और इफ डबल बफर, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इनकी वो करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लेक्चर नंबर 34 है, इसमें ओपन जेएल की थोड़ी प्रोग्रामिंग दी हुई है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंक्लूड किया हमने दोनों लाइब्रेरीज को, जो हमारे पास दो लाइब्रेरीज हैं जो ग्राफिक को इंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बाकी प्रोग्रामिंग्स के अंदर भी ऊपर लाइब्रेरीज को इंटर करते हैं, जैसे कि हम इनपुट के लिए फिर करते हैं और वो सारा कुछ, तो इस तरह से हम लोग जो है वो ओपन जेएल में भी करते हैं। तो इंक्लूड जीएल, जीएल हमारे पास ओपन जीएल है, गर्ल डॉट एच हमने कर लिया और फिर हमने ये भी कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टैटिक वॉइड रीशेप इंडो करना है, उसके बाद स्टैटिक वॉइड रीशेप, तो ये थोड़ा सा बड़ा सा प्रोग्राम है, तो इसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग की ग्रिप, इसको बहुत आसान से कर लेंगे। ये जो आपको ब्लैक स्लैश नज़र आ रहे हैं ना, ये वो है कमेंट्स, तो उस वजह से ये प्रोग्राम बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अब इसको आप लिखेंगे तो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है और उसके अंदर वही फंक्शन यूज़ हो रहे हैं जो भी हमने ऊपर देखे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं गर्ल कीबोर्ड फंक है, गर्ल डिस्प्ले फंक है, तो ये सारे वही यूज़ हो रहे हैं जो भी हम ऊपर देख कर आ चुके हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारे पास जीएल, अब जीएल वाले फंक्शन देखते हैं, ठीक है। हमने गर्ल्ट वाले देख लिए ना, अब हम जीएल वाले देखेंगे। जीएल मैट्रिक्स मोड क्या करता है, जीएल मैट्रिक्स मोड जो है फंक्शन जो है वो स्पेसिफाई करता है कि किस मैट्रिक्स को करंट विंडो मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास करंट मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ से आप देखें, जीएल मैट्रिक्स मोड फंक्शन स्पेसिफाइज विच मैट्रिक्स इज द करंट मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स करंट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके पैरामीटर दिए हुए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएल मॉडल व्यू क्या होता है, ये सब्सिक्वेंट मैट्रिक्स ऑपरेशन को मॉडल व्यू में अप्लाई कर देता है। जीएल प्रोजेक्शन क्या होता है, ये प्रोजेक्शन को अप्लाई कर देगा। टेक्सचर क्या होगा, ये टेक्सचर को अप्लाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीएल जो मैट्रिक्स फंक्शन होता है, हमारे पास करंट मैट्रिक्स मोड को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर कुछ एरर भी आपको यहाँ पे बताया हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपने लेक्चर 32, 33 और 34 में से कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है और सब कुछ ही पेपर में बहुत आता है। 40 या 50% आपका पेपर यहाँ से आ सकता है। तो देखिए, जीएल इनवैलिड इनम है, तो मोड वाज नॉट एक्सेप्टेबल वैल्यू, यानी कि मोड ने वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो इनवैलिड आ गया। अब जीएल इनवैलिड ऑपरेशन है, तो इसका मतलब ये होता है कि जीएल मैट्रिक्स मोड जब से कॉल किया गया था बिटवीन बिगिन, जीएल बिगिन एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉल जीएल एंड, तो वो हुआ नहीं था, इस वजह से उसको हमारे पास एरर आ गया। तो ये कुछ दो एरर थे, ये भी देख लेने आप लोगों ने। जीएल लोड आइडेंटिटी है, ये क्या करता है, जीएल लोड आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो करंट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ बदल देता है, यानी कि रिप्लेस कर देता है, जो भी आपकी मैट्रिक्स होगी उसको बदल के वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नजर आ रही होगी, जिसके यहाँ पे 1111 होता है और बाकी सारे 00 होते हैं, तो इस वाली मैट्रिक्स से वो रिप्लेस कर देगा जो भी मैट्रिक्स आपने दी होगी इसको। इसका भी एक एरर है यहाँ पे, इनवैलिड ऑपरेशन वाला है, कि इसमें क्या होता है, वही सेम ऑपरेशन देखें, सेम कंडीशन है ये, कब हमारे पास ये एरर कब आएगा, उसकी कंडीशन क्या होगी, कि जीएल लोड आइडेंटिटी वाज कॉल्ड, उसे कॉल किया गया था, कब कॉल किया गया था, बिटवीन अ कॉल टू जीएल बिगिन एंड द कोरस्पॉन्डिंग कॉल टू जीएल एंड, जीएल एंड मतलब उसको खत्म करें, जीएल बिगिन मतलब उसे स्टार्ट करें, उसके दरमियान इसको कॉल किया गया था, तो ये नहीं हुआ था कॉल, इसलिए ये इनवैलिड ऑपरेशन आ गया। उसके बाद जीएल ट्रांसलेटेड, जीएल ट्रांसलेटेड एफ, ये क्या है, जीएल ट्रांसलेटेड और जीएल ट्रांसलेटेड एफ ऐसे फंक्शन है जो हमारे पास करंट मैट्रिक्स को ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हमने देखा था वो वाली मैट्रिक्स को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदल देते थे, अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो करंट मैट्रिक्स होती है उसको ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से बदल देते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा कोड भी दिया हुआ है, वो भी आप देख लीजिए, वही जीएल ट्रांसलेटेड, उसके बाद जीएल डबल एक्स, जीएल डबल वाई, जीएल डबल जेड, तो ये तीनों बहुत ही ईजी हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर void gl translate f, अब ये हमारे पास जो है वो ट्रांसलेटेड के लिए हो गया, फिर उस तरह सेम उसके लिए हम ट्रांसलेटेड f के लिए करेंगे। gl float, इसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं, इसके लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे, gl float x, gl float y, gl float z, पैरामीटर कौन से हैं यहाँ पे, x, y, z है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जीएल पुश मैट्रिक्स जो है एंड जीएल पॉप मैट्रिक्स, ये हमारे पास सेव और रिस्टोर करने के लिए यूज होते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट स्टैक वाला, पुश करने के लिए कुछ मैट्रिक्स में इंटर करने के लिए हम जीएल पुश मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, और कुछ निकालना होगा उसमें से हम जीएल पॉप मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। उसकी भी एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, जीएल इनवैलिड ऑपरेशन, अब ये क्या होता है, जीएल ट्रांसलेट दोबारा से कॉल किया गया था जीएल बिगिन और जीएल एंड के दरमियान में, तो वही कंडीशन सब में अप्लाइबल है, तो ये आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद जीएल प्रस्पेक्टिव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएल प्रस्पेक्टिव में जो है वो यहाँ पे ग्लू प्रस्पेक्टिव है, ठीक है। हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि जो लाइब्रेरी से एक तो जीएल से स्टार्ट होती है, एक जीएल यू से स्टार्ट होती है, तो ये सारी लाइब्रेरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 5 मार्क्स में सारी लाइब्रेरीज भी पूछ सकते हैं, या फिर इन लाइब्रेरीज के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे आपको शॉर्ट में भी और आपको एमसीक्यूज में भी, तो आपका मेजर पार्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ग्लू या जीएल यू जो भी पढ़ लें, परस्पेक्टिव क्या करता है, ये हमारे पास क्या करता है, इज द फंक्शन ऑफ जीएल यूटिलिटी लाइब्रेरी का, ये फंक्शन है, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये हमारे पास यूटिलिटी लाइब्रेरी का फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी भी आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोड दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं, void gl u perspective, gl double fov, gl double aspect, gl double z near और gl double z far,
पैरामीटर्स के अंदर जो फोबिया वो क्या होगा, ये फील्ड ऑफ व्यू एंगल की एक फील्ड है। एस्पेक्ट क्या होगा, एस्पेक्ट हमारे पास रेशियो डिटरमाइन करेगा। जेड नियर हमारे पास जो है वो व्यूअर का डिस्टेंस जो है हमारे पास जो नियर क्लिपिंग प्लेन से था उसको डिटरमाइन करेगा, और जो जेड फार है वो फार वाला डिस्टेंस को है वह डिटरमाइन करेगा। यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास ग्रुप परस्पेक्टिव को जनरेट करता है, इस मल्टीप्लाई बाय द करंट मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? जस्ट एज इफ जी एल मल्ट मैट्रिक्स वर कॉल्ड विद जनरेटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाली एक लाइन अलग से ग्लू पर्सपेक्टिव के बारे में बता दिया गया है। टू लोड द पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स ऑन टू द करंट मैट्रिक्स स्टैक इंस्टेड प्रोसीड द कॉल टू द ग्लू पर्सपेक्टिव विद द कॉल जी एल लोड आइडेंटिटी। तो ये बिल्कुल सेम, इस तरह से आपने ही याद करना है। उसके बाद अभी हमने ट्रांसलेशन वाला देखा था, अभी हम रोटेशन वाला देख लेते हैं। जी एल रोटेटेड और जी एल रोटेटेड एफ, ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं, करंट मैट्रिक्स को रोटेशन मैट्रिक्स के साथ बदल देते हैं। इसकी भी वही सिंपल, जी एल रोटेटेड के लिए जी एल डबल एंगल, जी एल डबल एक्स, जी एल डबल वाई, जी एल डबल जेड। एंगल यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हम रोटेशन कर रहे हैं तो वही एंगल भी तो होगा। फिर हम जब एफ करेंगे तो हमारे पास डबल की जगह हम फ्लोट यूज करेंगे। आप एफ से फ्लोट को याद रख लें, जी एल फ्लोट एंगल, जी एल फ्लोट एक्स, जी एल फ्लोट वाई एंड जी एल फ्लोट जेड। पैरामीटर क्या है, एक्स वाई जेड। एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन है, जिसको हम डिग्रीज में लेंगे। ठीक है, इतना सा आपने यहाँ से याद रखना है। फिर वही एक कंडीशन, यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेशन यहाँ पे भी आ सकता है, और वही एरर, वही इसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम हुई है। जी एल रोटेट आपने यहाँ पे बदल देना है, ये कब कॉल्ड होगा, बिटवीन द कॉल टू जी एल बिगिन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉल टू जी एल एंड। उसके बाद जी एल कलर, क्लियर कलर है, जी एल क्लियर कलर फंक्शन जो है वो क्लियर वैल्यूज बफर को स्पेसिफाई करता है। यहाँ पे उसकी आपको डिस्क्रिप्शन भी देखिए, वॉइड जी एल क्लियर कलर, जी एल क्लियर, इसको देखें रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, चारों कलर्स हमने यहाँ पे लिख लिए। पैरामीटर्स हमारे पास यही हमारे कलर्स हमारे पैरामीटर्स हैं, वही इसका भी एरर है कंडीशन वाला। लेकिन ये देखिए यहाँ से आइए, जी एल क्लियर कलर वॉज कॉल्ड बिटवीन अ कॉल टू जी एल बिगेन विद द करस्पॉन्डिंग कॉल टू जी एल एंड। तो ये बिल्कुल वही है। ठीक है, उसके बाद ओपन जी एल हमारे पास है वो करंट सिंगल वैल्यू को भी स्टोर करता है इंडेक्स के अंदर, आर जी बी वैल्यू के अंदर। यहाँ पर हमारे पास टू मेजर वेरियंट कलर के यूज होते हैं, एक तो कलर थ्री है, फोर है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जी एल कलर थ्री के अंदर हमारे पास तीन कलर हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और जी एल कलर फोर के अंदर हम अल्फा को इंक्लूड कर लेते हैं, बाकी हमारे पास वही तीन कलर रहते हैं। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये आपको आना चाहिए, या भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि हम करंट कलर को किसी भी टाइम पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जी एल कलर बिटवीन जी एल बिगिन एंड कॉरस्पॉन्डिंग जी एल एंड के दरमियान में उसको कॉल करके हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। रेड है तो बाद में आप ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू है तो बाद में आप उसको येलो भी कर सकते हैं। और ठीक है, उस पर जी एल क्लियर है, जी एल क्लियर क्या करता है फंक्शन, ये हमारे पास बफर को क्लियर कर देता है। यहाँ पे उसके कुछ मास्क और कुछ बफर टू भी क्लियर दिया हुआ है। जी एल कलर बफर बिट अगर है तो द बफर करंटली एनेबल फॉर अ कलर राइटिंग। अगर हमारे पास डेप्थ बफर है तो डेप्थ बफर के लिए, एकोमुलेशन बफर के लिए और स्टेंसिल बफर के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपने स्टेंसिल बफर है तो मतलब है स्टेंसिल बफर, एकोमुलेट बफर है तो यहाँ पे एकोमुलेशन बफर, डेप्थ बफर है तो यहाँ पे डेप्थ बफर आ जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल था, और ये तीन मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जी एल बिगिन और जी एल एंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है आई थिंक सो, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ सकते हैं। जी एल बिगिन और जी एल एंड हमारे पास फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए यूज होते हैं, बस आपने इतना याद रखना है। जी एल बिगिन से हम स्टार्ट करते हैं और जी एल एंड से हम उसको खत्म करते हैं, बाकी यहाँ से कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास आज के हम कोई भी सबसेट यूज कर सकते हैं। कुछ फंक्शन यहाँ पे आपको दिए हुए, जी एल वर्टेक्स, जी एल कलर, जी एल इंडेक्स, जी एल नॉर्मल, जी एल मटीरियल, ये आपको कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, ये आपने याद रखने हैं कि हम जो है वो यू कैन यूज ओनली अ सबसेट ऑफ ओपन जी एल फंक्शन बिटवीन जी एल बिगिन और जी एल एंड के दरमियान में हम ये सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि जी एल बिगिन और जी एल एंड के दरमियान में हम कौन कौन से फंक्शन को यूज कर सकते हैं, तो हम इन सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जी एल कॉल लिस्ट और जी एल कॉल लिस्ट को भी एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव्स दिए हुए, अगर वन है तो मतलब पॉइंट है, क्योंकि और तो उसकी कोई प्रिमिटिव नहीं होती ना, हमने पहले भी देखे हुए ये। और टू है तो लाइन है, लाइन के दो कॉर्नर्स होते हैं। थ्री है तो थ्री है, क्योंकि ट्राइंगल है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीन होते हैं। चार है तो क्वाड्रेटियल है, उसके अंदर चार होते हैं। थ्री है तो वो पॉलीगोन है, ठीक है। थ्री में पॉलीगोन भी आता है और ट्राइंगल भी आता है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी ऑलरेडी टेबल आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको टेबल की फॉर्म में भी आ सकते हैं, आपको एक तरफ टेबल, आपको पता है कि आपके पेपर में अक्सर टेबल वाले क्वेश्चंस आ जाते होते हैं जिसमें आपने टेबल को फिल करना होता है। तो देखिए कितना आसान है, वन टू थ्री फोर थ्री, आपने वन में पॉइंट लिखना है, टू में लाइन लिखना है, थ्री में ट्राइंगल लिखना है, फोर में क्वाड्रेटियल लिखना है, और फिर थ्री में पॉलीगोन लिखना है। कितना सिंपल है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जी एल वर्टेक्स फंक्शन जो है वो एक कमांड है जिसको हम जी एल बिगिन और जी एल एंड में यूज़ करते हैं। आपने याद रखना है कि ये कमांड है, ये एक फंक्शन कमांड है जिसको हमने पहले भी देखा था, वो सारी जो लिस्ट देखी थी ना उसमें ये भी था। द करंट कलर नॉर्मल टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स आर एसोसिएटेड विद द वर्टेक्स, ये सारे एसोसिएट होते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था। उसके अंदर हमारे पास जी एल कलर भी था, जी एल नॉर्मल भी था, जी एल टेक्सचर भी था और जी एल वर्टेक्स भी था, तो वो सारे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 34 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम इस तरह से आगे के 3-4 लेक्चर एक साथ करेंगे, क्योंकि उनका टॉपिक भी सेम है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो गई है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने कुछ नहीं करना ना, वो ये वाला जो लेक्चर्स कर ले तो बस उसका पास हो जाएगा वो आराम से। ठीक है, इन स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो अगर ये वाले लेक्चर्स भी कर लेते हैं ना ओपन जीएल के बहुत अच्छे तरीके से, ये नहीं है कि बस मोटा मोटा देखने, अगर बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, वो भी पास हो सकते हैं आराम से। तो ये वाले लेक्चर्स आपने किसी सूरत नहीं छोड़ने, हर चीज़ आपने प्रिपेयर करनी है। मैंने सब कुछ हाईलाइट कर दिया है, जो ग्रीन से आपको हाईलाइट नजर आएगा ना, वो जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पास पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। जो येलो हाईलाइट है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी आप हैंडआउट्स में आपको हाईलाइटेड दे दूंगी, जब सारे हाईलाइट हो जाएंगे, अभी कुछ रहते हैं, तो आप हाईलाइटेड हैंडआउट्स पढ़ेंगे और ये लेक्चर एक दफ़ा सुनेंगे ना, तो आपका ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और पेपर के दौरान आप इसको रिवाइज़ करें तो आपके पेपर का मेजर पोर्शन जो है वो यहीं से आने वाला है। तो लेक्चर नंबर 32 से जो पीछे पीछे के लेक्चर्स थे ना, वहाँ से आपका हाफ पेपर आता है। आप समझ लें कि वहाँ से आपका हाफ पेपर आता है। हाफ पेपर आपका लेक्चर नंबर 32 के बाद वाले लेक्चर से आता है। तो ये भी आपने याद रखने, ये सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर हम कर्व्स भी पढ़ेंगे और कर्व्स वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पेपर में के अंदर है कर्व्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम जल्दी ही कवर करेंगे। तो आज की वीडियो होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको समझ आ रही है, इजी टू अंडरस्टैंड है, या कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ सजेशन भी आप दे सकते हैं इनके कमेंट बॉक्स में कि मैं किस तरह से इसको मोर इंप्रूव कर सकती हूँ। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सएप भी उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अभी भी ये लेक्चर बहुत मेहनत से रिकॉर्ड किया है और कब से जो है वो मैं बोल ही रही हूँ और मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो गया, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर एक चीज़ कवर करवाऊँ, ताकि इस इन तीन लेक्चर से जो भी आपका पेपर में आए उसको आप बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। तो आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, तो बदले में आप भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इसको, जिन लोगों का ये सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।